नमस्ते बच्चों, आपका एक शारदा पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी की पाठ बादल कैसे बनते हैं की पहली अभ्यास पत्रिका पूर्ण करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे उद्देश्य की ओर। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चे नए शब्दों के अर्थ समझकर अपने शब्द भंडार में वृद्धि करेंगे, और दूसरा है बच्चे नए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखने और बोलने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए बच्चों, मैं इन शब्दों को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। इंतजार, बारिश, केतली, झील, सुहावना, आकाश, स्वागत, गड़गड़ाहट, आसमान, तालाब, जमीन, मौसम, परेशान। तो चलिए बच्चों, इन शब्दों को दोहराते हुए अपनी कॉपी में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो पहला अशुद्ध शब्द है ह ट ग ड डा ग, गड़गड़ाहट। दूसरा अशुद्ध शब्द है ग त स्वा, स्वागत। तीसरा अशुद्ध शब्द है हा व ना सु, सुहावना। चौथा शुद्ध शब्द है ड म राना, मंडराना। पांचवा शुद्ध शब्द है शा न रेप, परेशान। छठवा शुद्ध शब्द है त के ली, केतली। सातवा शुद्ध शब्द है श बारी, बारिश। आठवा शुद्ध शब्द है का श आ, आकाश। नौवा शुद्ध शब्द है जा र इत, इंतजार। दसवां शुद्ध शब्द है ल झी, झील। तो चलिए बच्चों, इन अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, नीचे दिए गए वाक्यों में ऊपर लिखे गए शब्दों में से सही अर्थ वाले शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला वाक्य है बारिश होने से पहले ही बादलों में जोर से डैश शुरू हो गई। बारिश होने से पहले ही बादलों में जोर से गड़गड़ाहट शुरू हो गई। दूसरा वाक्य है हम मेहमानों का डैश करते हैं, हम मेहमानों का स्वागत करते हैं। तीसरा वाक्य है आज मौसम बहुत डैश था, आज मौसम बहुत सुहावना था। चौथा वाक्य है काले काले बादल आसमान में डैश लगे, काले काले बादल आसमान में मंडराने लगे। पांचवा वाक्य है गर्मी के कारण मोहन डैश था, गर्मी के कारण मोहन परेशान था। छठवा वाक्य है माँ डैश का बर्तन खोज रही थी, माँ केतली का बर्तन खोज रही थी। सातवा वाक्य है डैश के कारण लोग बाहर ही फंस गए, बारिश के कारण लोग बाहर ही फंस गए। आठवां वाक्य है आज डैश नीला और साफ दिख रहा है, आज आकाश नीला और साफ दिख रहा है। नौवां वाक्य है पाठशाला में बच्चे अध्यापिका का डैश कर रहे थे, पाठशाला में बच्चे अध्यापिका का इंतजार कर रहे थे। दसवां वाक्य है डैश का पानी बहुत साफ होता है, झील का पानी बहुत साफ होता है। तो चलिए बच्चों, इन वाक्यों में सही अर्थ वाले शब्दों को लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि चौथी की ओर। गतिविधि चौथी, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थों को सही शब्द को पहचान कर लिखिए। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला शब्द है चाय का बर्तन, इसका अर्थ है केतली। दूसरा शब्द है व्याकुल, इसका अर्थ है परेशान। तीसरा शब्द है प्रतीक्षा, इसका अर्थ है इंतजार। चौथा शब्द है सुंदर और सुखद, इसका अर्थ है सुहावना। पांचवा शब्द है आसमान, इसका अर्थ है आकाश। छठवा शब्द है अगवानी, इसका अर्थ है स्वागत।
सातवां शब्द है बादलों की आवाज़, इसका अर्थ है गड़गड़ाहट। आठवां शब्द है वर्षा, इसका अर्थ है बारिश। नौवां शब्द है एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसका अर्थ है मंडराना। दसवां शब्द है बड़ा प्राकृतिक जलाशय, इसका अर्थ है झील। तो चलिए बच्चों, इन शब्दों के सही अर्थ वाले शब्दों को लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है दिए गए अभ्यास पत्रिका को पूर्ण कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।